एसएलआर की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर। पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार। दिल्ली कूच है जी, उच कोई रुकावट नहीं की। जिस तरह से केंद्र की सरकार हमारे ऊपर जबर कर रही है, ये बुलेट एसएलआर की बुलेट चलाई गई हमारे ऊपर। इस तरह से हंजू गैस जो हमारे ऊपर नहीं चलाना चाहिए, ये प्लास्टिक की गोलियां उन्होंने इस्तेमाल की, और ये रबड़ की गोलियां, ये हमारे ऊपर हो रहा। और जिस तरह से हमारी परसेप्शन बनाई जा रही है मीडिया में, खालिस्तान का अटैक लगाया जा रहा, प्रो लेफ्ट बोला जा रहा है, प्रो कांग्रेस बोला जा रहा है, और प्रो पंजाब सरकार बोला जा रहा है, अभी ये उत्साहित कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम तो ये कहते हैं भी जो देश में नीतियां लागू हैं कांग्रेस लेके आने वाली है। और सीपीआई सीपीएम का राज पश्चिमी बंगाल में 35 साल रहा, उनका और अन्य राज्यों का हमको अधिक फर्क नहीं समझते हैं। तो हम जैसे हम सब सरकारों की आलोचना करते हैं, आम आदमी भगवंत मान सरकार की भी वैसी आलोचना करते हैं। हमसे किसी का कोई लेना देना नहीं, हम देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, और अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, फिर मैं तो रोज अपील कर रहा हूं कि आपका बोलते हृदय बड़ा है, बड़ा हृदय कीजिए, और हमें एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बना के दीजिए। जिस तरह से अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इनका मांग पत्र चार्ट बड़ा होता जा रहा है, ये बात नहीं है। हमने पहले दिन से वही मांग पत्र रखा, उसी पे काम कर रहे हैं। जैसे बोला जा रहा है कि अगर एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाना है तो उसके लिए कमेटी आवश्यक है, तो हम बताना चाहेंगे आपको, कल भी बताया था कि जो सीएसीपी की रिपोर्ट के अनुसार देश के 23 फसलों के ऊपर सरकार पूरी तरह कैलकुलेट कर एमएसपी 23 फसलों का ऐलान करती है, तो हमने मंत्री महोदय के समक्ष ये बात रखी कि आप बताइए, आप ये अनाउंसमेंट कैलकुलेशन से कर रहे हैं? बोले हाँ। तो हमने बोला इसके ऊपर लीगल गारंटी कानून बना दीजिए, हमें तो सिक्योरिटी चाहिए भी जो एमएसपी का ऐलान आपने किया वो कम रेट पर मंडी में ना बिके। तो अब वो कमेटी बना के हमारा मसला ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। एक मैं और बात बोल दूं तो छोड़ गए, यहां से भी किसानों को अर्धसैनिक फोर्सों ने, पुलिस ने उठाया है, वो अंबाला के थाने में है, ये रिपोर्ट आ गई हमारी। और खनौरी बॉर्डर से भी किसानों को उठाया गया, वो हरियाणा की अभी जेल में है। फिर भी हम नहीं कहते भी वार्ता नहीं करेंगे, पर हम अनुरोध करते सरकार से, पहले ये सब बंद कीजिए, आम माहौल कीजिए। हम वार्ता के लिए कल भी तैयार थे, आज भी तैयार है। दिल्ली कूच है जी, उच कोई रुकावट नहीं की।